यार ये फ्रेंड्स फ्रेंड्स ही तो है बस बन गई फ्रेंड्स अभी 2 मिनट भी नहीं हुए उसे भी आए हुए आओ ना अरे मैं तुम्हें शाम को मिलता हूं ना यार तुम छोड़ो भाई इधर आओ तुम लोगों के सामने ना मैं लड़कों की और लड़कियों की जो ऐसे होते हैं ना उनकी सच्चाई सामने लाती हूं कैसे आप लोग आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो सो गाइस आज हमने किया कपल पे लॉयल्टी टेस्ट प्रैंक जिसके रिएक्शन कैसे आने वाला है तो हमें भी नहीं पता तो आपको क्या करना है चलकर जाकर वीडियो को पूरा देखना है वीडियो को बिना स्किप करे हो एंड तक वीडियो को देखना है पूरा एंजॉय करना है बाकी मैं आपसे मिलती हूं वीडियो के बाद हाय कैसे हो मैं यहाँ पे 2 मिनट बैठ सकती हूँ एक्चुअली मैं किसी का ना वेट कर रही हूँ और वो आने ही वाले हैं आप कहीं और जाके बैठी मैम एक्चुअली पूरे पार्क में ना कोई सीट अवेलेबल ही नहीं है और सब बिजी है तो फिर 2 मिनट की बात है मैं 2 मिनट में चल जाऊंगी किसी का वेटिंग बट हम लोग यहाँ कपल्स बैठे आप नहीं बैठ सकते मैम मैं भी कपल ही हूँ मेरा जो मतलब जो मेरे बॉयफ्रेंड है वो आ ही रहे हैं जस्ट 2 मिनट की बात है मैं चली जाऊंगी 2 मिनट्स ओनली यार ओके बैठ जाइए आप थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओगे प्लीज और सुनाओ तुम क्या चल रहा है घर पर सब ठीक हाँ मम्मी में ठीक है हाँ जी और पापा सब ठीक है तमाम ठीक चल रहा है हाँ अच्छा तुमने कोई जॉब नहीं देखी अपने लिए देखा था ना देखा वो उसका इंटरव्यू देने गई थी ना कल तो और बताओ क्या हुआ इंटरव्यू का क्या रहा बस ठीक था सब कुछ क्या क्या पूछा तुमसे क्वेश्चन उन्होंने इंटरव्यू में इंटरव्यू में क्या क्या पूछा उन्होंने कुछ नहीं जैसे नाम वाम तो कुछ सही है वो क्या कर रही है क्या कर रही है कुछ भी तो नहीं कर रही बट वो तुम्हें टच कर रही है कहाँ टच कर रही है नहीं करा उन्होंने टच मैंने 3 बार देखा उसने वहाँ पे टच किया देन वो यहाँ पे टच कर रही है तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी नहीं करा उन्होंने मैं भी अरे वो टच कर रही है तुम्हें अरे वो टच करती तो मेरे को कुछ वाइब्रेट कुछ तो होता मैं कुछ भी तो नहीं हुआ नॉर्मल बैठा हुआ पर मैंने देखा उसने तुम्हें टच किया है नहीं किया मैं बोल रहा हूँ ना नहीं किया ठीक है शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी तुम अपने इंटरव्यू का बताओ क्या सारा अच्छा था सब कुछ फिर ज्वाइनिंग कब से होगी तुम्हारी कल या परसों से शायद जाना है मुझे लो बेटर है मैं अभी गया था इंटरव्यू देने उसने अगेन तुम्हें टच करा है अरे कहाँ किया नहीं अरे वो तुम्हें टच करे तुम्हें फील नहीं हो रहा है टच किया ही नहीं ना उन्होंने वो कर रही है मैं देख रही हूँ एक बार मिसअंडरस्टैंडिंग हुई दूसरी बार तुम्हें टच करा है क्या बोल रहे हो कुछ प्रॉब्लम है क्या आपसे आप इन्हें टच क्यों कर रहे हो मैंने कब टच किया मुझे इनसे मैंने अभी अभी जस्ट देखा आपने इन्हें टच किया है एक्सक्यूज मी मैं आपको जानती भी नहीं हूँ ना मैं इनको जानती हूँ मैं क्यों टच करूंगी देन आप ये कर क्या रहे हो मैम मैंने कुछ किया ही नहीं आप मुझ पे ब्लेम क्यों कर रहे हो अरे वो नहीं कर रहे यार टच मैम तुम्हें फील नहीं हो रहा है अरे उन्होंने टच किया होगा तब तो फील होगा ना मैम आई हैव माय बॉयफ्रेंड ऑलरेडी तो मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी प्लीज ऐसे नजायज किसी को परेशान मत करे 2 मिनट सीट क्या मांग ली आप तो फालतू में ब्लेम ही करने लग गए मैं ब्लेम नहीं कर रही हूं मैंने देखा है दूती यार तू इंसल्ट करा रही हो तुम मेरे पे चिल्ला रहे हो मतलब वो तुम्हें टच कर रही तुम्हें नहीं दिख रहा है लेकिन मुझे दिख रहा है ना क्या यार मैं बोल तो रहा हूं हद है यार जब उन्होंने नहीं किया टच तो जबरदस्ती बोल तो किया है पर मैंने अभी अभी देखा भयम हो गया लगता है तभी ठीक है ठीक हूँ मैं लग तो नहीं रहा ठीक हो तुम ये नींद पूरी नहीं सपने अपने आ रहे हैं वो फिर तो मैं टच कर रही है नहीं कर रही यार तो चुपचाप बैठी हुई है और मैंने जानता भी नहीं मुझे टच क्यों करेंगे सर आपको मुझसे कुछ प्रॉब्लम है क्या मैं चली जाऊं यहां से नहीं आप ही बता दो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आर यू श्योर जी तो इन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है मुझसे तो आप इन्हें टच क्यों कर रहे हो अरे मैं नहीं जानती नहीं हूं ना मतलब इंसल्ट करा रहे हो दूसरों के सामने मैं इंसल्ट नहीं करवा रही हूं मैंने अपनी आंखों से देखा है मैम प्लीज आप लोग जो बातें कर रहे हो उसे कंटिन्यू करो मैं अपने व्हाट्सएप पे बिजी हूं मेरा बॉयफ्रेंड आप व्हाट्सएप पे रहिए ना आप इनको क्यों टच कर रहे हो मैं नहीं कर रही इनको टच मैंने आपको बता तो दिया और बताओ अभी क्या था मैंने कहा अभी क्या था नहीं किया नहीं किया मैम इतना शाउट मत कीजिए प्लीज यहाँ पे पार्क में सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं आपको भगा देंगे
अपना फोन में बिजी है। था क्या वो? था क्या? सॉरी टू से बट मेरे को आप मेंटली डिस्टर्ब लग रहे हो यार। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे नहीं लग रहा यार, तुम तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही मेरे को। अरे मेरी आंखें भी ठीक है, मुझे दिख रहा है अभी उसने तुम्हें यहाँ पे टच किया है। मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, उन्होंने टच किया है, मेरे को तो फील नहीं हुआ टच किया है। तुम्हें फील ही नहीं हो रहा है? तुमने गिरते हुए? तुम्हें फील ही नहीं हो रहा है? अरे टच किएंगे जब तो फील होता है ना, पत्ते होते देख लिए तब तक गिरते हुए। छोड़ो हटाओ। हाँ ठीक है, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मुझे डबल डबल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? हाँ बोलो। बोलो क्या यार, अपना मूड खराब कर दिया बेफालतू की बातें करके। मैं बेफालतू की बातें नहीं करूँ, वो टच कर रही है, तुम्हें फील नहीं हो रहा है? करेगी तब तो फील होगा ना, अपने फोन में बिजी है तुझे। कैसे बेबी, कितनी देर लगेगी यार तुम्हें आने में? बॉयफ्रेंड है उनका, जल्दी आ जाओ यार। तो को बुला रही हूं, पता नहीं यहाँ पे कोई पागल सी लड़की है, वो मेंटली डिस्टर्ब है और बोल रही है कि मैं उनके बॉयफ्रेंड को टच कर रही हूँ। सीरियसली? बिकॉज़ आप कर रहे हो। एक्सक्यूज मी प्लीज, आप आ जाओ यार। डाउन नहीं कर रही हूं। ओके बट मैं देख रही हूँ ना। अरे नहीं देखो, क्या कर रही थी मतलब? क्या किया? अरे वो छोड़ो तुम। आप कोई मतलब सेलिब्रिटी हो क्या जो मुझे आपको देख के अट्रैक्शन हो जाएगा और मैं आपको टच करूंगी? आपको लगा? आपको ऐसा लगा? आपको गलत लगा? और आई थिंक आप दोनों ही मेंटली डिस्टर्ब हो। आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं दिख रहा है हमें। छोड़ो मैं, ठीक है? और इधर हो, वो अगेन तुम्हें टच कर रही है। तुम्हें फील क्यों नहीं हो रहा है? अरे यार नहीं करा उन्होंने। वो क्या है? छोड़ो उसे। क्या छोड़ो? तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो वो तुम्हें क्यों बार बार छोड़ रही है? और तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है? क्या हो गया? प्रॉब्लम है कुछ? हाँ जी, इनको प्रॉब्लम हो रही है। आर यू श्योर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है मुझसे? इन्हें प्रॉब्लम हो रही है आपसे। पर आपको नहीं हो रही? आए थे नहीं हो रही ना? तो तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है? नहीं हो रही। जब उन्हें प्रॉब्लम नहीं हो रही, उनको फील नहीं हो रहा कि मैं बैठने दो ना, थोड़ी देर में कुछ भी कर रही हूं, बीएफ आ जाएगा, वो चली जाएंगी, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? अभी क्या था वो? करने दो उन्हें, मुझे लगता है ये मेंटल है, तुम छोड़ो इग्नोर करो ना। अच्छा तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है? वाओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साइड में बैठी, तुम अननोन लड़की से अपने आप को टच करवा रहे हो और तुम्हें इससे कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है? क्या करूंगा, तुम्हें मजे आ रहे हैं, चले यहाँ से फिर। और कहीं सीट तुम्हें खाली दिख रहा है तो फिर क्या करें? फिर इग्नोर करो ना यार, तुम इतना क्यों ओवरएक्ट कर रही हो? तो तुम अपनी बताओ, तुम्हें सच में अच्छे लग रहा है ये सब? हाँ लग रहा है, लग रहा है बस। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। मेरे को क्यों बैठा रखा है फिर यहाँ पर, जब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? तुम्हें कोई भी ओवरएक्ट क्यों कर रही हो यार? अरे मैं ओवरएक्ट कहाँ कर रही हूँ? चली जाएंगी अभी, बस बात खत्म। अभी तक दो मिनट नहीं हुआ। मैम आपका बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ यहाँ पे, प्लीज अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप चले जाओ, उनको प्रॉब्लम नहीं है तो उनको यहीं पे रहने दो। मैं क्यों जाऊँ? मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के क्यों जाऊँ? तो आपका बॉयफ्रेंड जाना ही नहीं चाहता ना यहाँ से, तो मैं क्या कर सकती हूँ उसमें? तो आप क्या करने लग रहे हो? मैम आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आपके बॉयफ्रेंड को नहीं हुई है ना, और मुझे भी नहीं हुई, मुझे पता मैं टच नहीं कर रही हूँ। आप तुम बोलो उसने तुम्हें टच किया हाँ और ना? अरे गलती से हाथ लग गया होगा यार। गलती से एक बार हाथ लगता है वो 10 बार हो चुका है। अरे यार मच्छर कितने सारे, वो भगाने में लग गया होगा। मुझे तो नहीं लग रहे, तुम्हें ही लग रहे। और वैसे मेरे ना इतनी सेक्सी लेग्स पे ना मच्छर भी बहुत ज्यादा काट रहे हैं। हाँ, वो कहते हैं ना मच्छर उसी को काटते हैं जिसका खून मीठा हो। That's true. तुम इसकी साइड ले रहे हो? तुमने भी शॉर्ट्स पहने हैं, तुम्हें मच्छर नहीं काट रहे क्या? नहीं छोड़ो ना यार। कितना टाइम हो गया वैसे तुम्हारे रिलेशन को? 1 साल। 1 साल? शादी वादी करनी है आपको इससे? क्या नहीं, वैसे नॉर्मली पूछ रही हूँ आपको इससे क्या? नॉर्मली पूछ रही हूँ, शादी करनी है क्या? अरे आपको इससे क्या है? बता दो ना यार, पूछी तो नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, तुम बोल दो, जानना है। मैम आपको प्रॉब्लम है, आप जा सकते हो यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ? एक्सक्यूज मी, कैन वी बी गुड फ्रेंड्स? ये चल क्या रहा है यहाँ पर? तो ऐसा तो नहीं है ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो फिर तुम दोस्त नहीं बनाओगे? नहीं ऐसा कुछ थोड़ी है, ऐसा तुम्हारे भी तो लड़के फ्रेंड्स हैं। तो तुम्हें कोई भी आते जाते चलते हुए मिल जाएगा, तुम उसको दोस्त बना लोगे?
यार तो तुम्हारे भी तो लड़के फ्रेंड्स हैं। मैंने कभी कुछ कहा? मैंने कभी कोई आर्गुमेंट किया कि ये तुम्हारा दोस्त क्या है, तुमसे बात क्यों कर रही है? मैंने कुछ कहा? यार पर वो मुझे ऐसे टच अननोन तो नहीं है, उन सबको जानती हूँ मैं। मैं भी जान जाऊंगा इन्हें क्या हो गया, पहली बार तो वो भी नहीं होंगे ना तुम्हारे लिए, मैं भी जान जाऊंगा। खराबी क्या है? ऐसे जानना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है वो मुझसे बात करना चाहते हैं, मैं उनसे बात करना चाह रही हूँ। मैंने टच नहीं किया, मैं उस चीज में एग्री हूँ, लेकिन अगर वो मुझसे बात करना चाहते हैं, मैं उनसे करना चाहती हूँ, तो आप बीच में फिर मैं नहीं जाऊंगी। मत करो, क्यों नहीं जाओगे? क्यों जाऊँ, मेरा बॉयफ्रेंड, मैं क्यों छोड़ के जाऊँ? आप बताओ ना आप क्या चाहते हो। मैं तो जा सकती हूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, घर जाओ रेस्ट करो। तुम यहाँ मेरे से बात करने के लिए थे फिर इससे? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? मेरी तबीयत ठीक है, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। लड़ने के मूड में आई हो? नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं तो नहीं लग रहा तुम ठीक हो। मैं ठीक हूँ पूरी तरह से। आप पानी वाली पीना है? आप अपना नंबर टाइप कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, बहुत महंगा फोन है। नंबर नहीं देना है। क्यों नहीं? फ्रेंड्स है ना, काफी है, नंबर देने की क्या जरूरत? बात नंबर तक कैसे आ गई? फ्रेंड तो बात कैसे करेंगे? चल गया रहा है हम दोनों का? हम दोनों का क्या चल रहा है? अरे रुक तो, अरे एक मिनट, वेट वेट, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? एक सेकंड, नंबर तो दे रहा हूँ, तुमने भी तो दे रखे है ना? तुम्हारे ऑलरेडी बहुत सारे फ्रेंड्स हो। चल क्या रहा है, तुम लोग कर क्या रहे हो? गुड नेम रोहित। रोहित नाइस टू मीट यू। वैसे रोहित हम लोग सामने सीसीटी है, कॉफी पे चल सकते हैं फिर? श्योर, पक्का? पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या करोगे तुम? तुम घर जाओगे? क्यों जाऊं मैं घर? मुझे इसलिए यहां पे बुलाया था। तुम लड़ रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं लड़ने रही हूं, यहां जो तुम कर रहे हो इसलिए मैं तुमसे लड़ रही हूं। तुम्हारा ना सुबह से देख रहा हूँ, मत किसी ना किसी बात पे लड़ रही हो। तुम उसके लिए मेरे पे चिल्लाओगे? आई थिंक मेरे को जाना चाहिए आज। आपकी गर्ल जो आपकी गर्लफ्रेंड है ना, ये बहुत ज्यादा वो है। हां चले जाइए। नॉर्मली फ्रेंड्स में क्या हो जाएगा यार, सीसीटी तो जा रहे हैं। आप बैठ जाइए, कॉफी पे जा। अरे वाह यार, थैंक यू, आपने मुझे टच किया, नाइस। नॉर्मल यार, फ्रेंड्स ही तो है ना। फ्रेंड्स है यार, इंटेंशन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए। तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लिए तुमसे परमिशन ले लो क्या? मतलब सीसीडी ले जाओ इसको। नहीं लेके जाने। रीजन? मुझे जाना है, मुझे जाना है, जाना है। नहीं जाओगे यार, मुझे जाना है। क्यों जाओगे? कॉफी पे भी बहुत टाइम हो गया मुझे। तो मैं चल सकती हूँ ना साथ में? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत ठीक है। तुम चाय पियो। नहीं, तुम्हें कहीं भी जाना है, मैं जाने को रेडी हूँ ना। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ अभी फिलहाल। क्यों तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम घर जाओ। अरे यार मैं ठीक हूँ। तुम ठीक नहीं हो, तुम लड़ रही हो मेरे से सुबह से। मैं सुबह से नहीं लड़ रही, मैं तुमसे अभी, मैं वो भी लड़ भी नहीं, मैं तुम्हें बता रही थी। लड़ रही हो ऐसे बताते हैं लड़के? लड़के? अच्छा आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? नहीं बैठिए ना, मुझे कोई प्रॉब्लम। चलो ना आप मेरे साथ जाऊँ। ओके बाय। क्यों? और पैदल नहीं जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा गर्मी है ना, तो मेरे पास है गाड़ी की चाबी। क्या चल रहा है ये? मैं तुमसे मिलता हूँ शाम को। क्या समझ के रख रखा है मुझे? और ये पैसों वैसों की भी बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं है, पैसे भी बहुत है। और आईफोन 14 प्रो मैक्स भी है जो अभी रिसेंट टॉप चल रहा है। मैं तुम्हें गिफ्ट भी कर सकती हूँ यार, ऐसी बात नहीं। फोटो भी अच्छे हैं, अब देखो फोटोज भी अच्छी आएगी, हर चीज़ है। आपका अभी तक बॉयफ्रेंड नहीं आया है? एक्चुअली मेरे को मेरे बॉयफ्रेंड से इंटरेस्ट ही खत्म हो गया जब से मैंने इनको देखा है। वो बोलते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है कभी कभी, तो मुझे इनसे ना ऐसा लग रहा है कि प्यार ही हो। यहाँ बहुत सारे लड़के, आपको किसी से नहीं, वैसी से होना था। अरे यार उनमें मेरा फर्क नहीं है, पर्सनैलिटी देखो यार। इफ यू वांट म्यूजिक सुनो गाड़ी मजा आएगा। अरे पैसों की कोई दिक्कत नहीं है यार, है ना? पैसे बहुत है। अपने पैसे अपने पास रखो और जाओ यहाँ से, तुम्हारा बॉयफ्रेंड आने वाला है। मेरा बिजनेस कार्ड भी है। अरे तुम्हारा बॉयफ्रेंड आने वाला है, तुम हमें क्यों ये सब दिखा रही हो? मैं तुम्हें नहीं दिखा रही हूँ, तो दिखा रही हूँ। जस्ट क्या होगा, मैं नॉर्मली बता रही हूँ। अपना फोन दिखा दो तुम भी। सो चले हम लोग। हाँ आ जाओ फिर। जाना क्या, कहाँ रहे? कहीं नहीं जाना, कहीं जाना ही नहीं है। मैं शाम को मिलता हूँ तुमसे। क्या लगा के रख रखा है? क्या हो गया यार? अगर उसको प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों इतनी डिस्टरबेंस हो रही है? हमें लोगों को परेशान कर रही हो कब से? मैं परेशान कर रही हूँ सच में? तुम यहाँ पर बीच में, हम दोनों आराम से बात कर रहे थे, हर चीज तुम कर रही हो और बोल मुझे रही हो। लेट मी क्लियर फर्स्ट, अगर आपका बॉयफ्रेंड इंटरेस्टेड है मुझ में तो फिर आप कौन होती हो बीच में बोलने वाली? तो आप इंटरेस्ट क्यों दिलवा रहे हो? अब अपने काम से काम रखो, आपका बॉयफ्रेंड आने वाला है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहो ना। अल्लाह नहीं जाता। हाँ और दूसरी लड़कियों पे ब्लेम कर रहा है बस। अरे ब्लेम नहीं कर रहा, बीच में आई थी वो यार। ये फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स ही तो है बस। बन गई फ्रेंड्स, अभी 2 मिनट भी नहीं हुआ उसे भी आए हुए। आओ ना। अरे मैं तुम्हें शाम को मिलता हूँ ना यार। तुम छोड़ो, मैं इधर आओ, छोड़ो इसका। क्या हो गया? क्या तो दूर रहो,
क्यों दूर रहा हूँ मैं? बॉयफ्रेंड है मेरा, क्यों दूर रहा हूँ? अगर मैं उसे बोल दूंगी ना, वो मेरा अभी बॉयफ्रेंड भी बन जाएगा, फिर तुम्हारा सारा राइट नहीं जाएगा बॉयफ्रेंड से। तो तुम देख लो ना तुम्हें क्या करना है। अरे यार तुम घर जाओ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम क्या कर रहे हो? एक साल का तो रिलेशन है यार, ब्रेकअप और ये पैचअप वैचअप एक साल रिलेशन मायने नहीं रखता है क्या? तुम्हारा कितने साल का रिलेशन? मुझसे क्या पूछ रही हो? तुम्हारा कितने साल का रिलेशन? मुझसे क्या पूछ रही हो? मैं ये बोल रही हूं अरे तुम क्या कर रहे हो? ये बॉयफ्रेंड से पूछो। एक सेकंड, हम शाम को मिलते हैं। अपने बॉयफ्रेंड सुनो सुनो सुनो, क्या नाम है उसका? कहां से आया इसका? प्रिया। नाम क्या? प्रिया। अब मेरे से मत पूछो अहमियत क्या रिलेशनशिप के, अपने बॉयफ्रेंड से पूछो जिसके साथ तुम एक साल से रिलेशनशिप में हो, और एक अननोन लड़के के लिए वो कैसे एग्री हो गए जब मैंने तुम्हें कई सब चीज दिखाई। और हाँ, इसको ये मैं क्या बताऊँ यार, मतलब तुम लोगों के सामने ना मैं लड़कों की और लड़कियों की जो ऐसे होते हैं ना उनकी सच्चाई सामने लाती हूँ। मैं ना यूट्यूबर हूँ और मैं सिर्फ एक छोटा सा मजाक कर रही थी, इनको टच कर रही थी। हाँ ये सब फेक था, ठीक है, एक प्रैंक हो रहा था, सामने कैमरा लगा रखा था। एक सेकंड में पहले मुझे तो बोलने दो। हाँ, कैमरा लगा रखा था सामने सिर्फ देखने के लिए कि लड़का कितना तुम्हारे लिए लॉयल है और ये लड़की कितनी लॉयल है तुम्हारे लिए। लेकिन सीरियसली इस बंदे ने तो दिखा दिया, ये मतलब टच कर रही हूँ इतनी देर से, इसको पता है, लेकिन बंदा बिल्कुल भी वो ही नहीं कर रहा है। ये सारी पूरी वीडियो है ना, ये सब शूट हो चुकी है, मेरे पास ये माइक लगा, ये सब यूट्यूब पे फेसबुक पे जाएगी। अगर तुम्हें कल को कोई भी लड़की आके पैसे तो तुम तो उसके पीछे चल जाओगे यार। और चलो पैसे तो बात की बात ही, पैसे तो बात की बात ही, वो तुम्हें चीट करने को तैयार हो गया। एक सेकंड तुम चुप रहो। क्या रिलेशन खराब करी? कौन सा रिलेशन खराब करी? सिर्फ दिखा रही हूं, वो तो सच्चाई लाई है यार, दिखा रही है। रिलेशन खराब हो गया ना तो आपको नहीं पता था मैं आपको टच कर रही हूँ? आपने क्यों नहीं बताया उस वक्त? अगर आप इतने ही अपनी बंदी के लिए लॉयल होते, उठ के यहाँ से चले जाते फटाफट मेरी बेइज्जती करके कि भाई क्या है, क्या मतलब है ये? मुझे तो लगा नॉर्मली ऐसे कर रहे हो आप। कितनी बार किया मैंने आपको, कितनी बार? एक बार नॉर्मल होता है, दो बार नॉर्मल होता है। और मैं बोल रही हूँ तो उल्टा मना कर रहे हैं, नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। उसने थोड़े से पैसे फोन किया, दिखाए, बोले डेट पे चलो, चलने को रेडी हो गए। आप लोग मैं इतना रोक रही हूँ, मुझे और धक्का दे रहे हो। तुम्हें अगर कंटिन्यू करना है तो बात करो, अगर नहीं करना तो तुम्हारे पे। मैं तो बस देख रही थी कितना ज्यादा लॉयल है आजकल के रिलेशन। दिखा दिया, मैं तो जा ही रही हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। सॉरी ना। अरे तुम निकलो यहाँ से, निकलो, बहुत हो गया। और हम बैठ के बात करते हैं ना। एक बात सुन लो, आज पर अपनी शकल मत मुझे दिखा देना। कल को कोई भी लड़की आएगी तुम तो ऐसे ही हो जाओगे। अरे नहीं होगा ना भाई, मैं इतने देर से बोल रही हूँ तुम्हें टच करे, टच कर तुम्हें फील नहीं। उसने थोड़े से पैसे दिखाए, एटीएम कार्ड दिखाए, कॉफी को बोला बस, उसके लिए तुम मुझे बोल रहे हो घर जाओ। कर लेते ना, नहीं करना आप, करना ही नहीं आप। अरे माफ कर दो यार, तुम जाओ। अरे मेरी बात मान लो यार, पैर पकड़ो, चले जाओ यहाँ से। अरे मेरी बात तो, अरे तुम चले जाओ, चले जाओ, बैठ के बात। मुझे नहीं चाहिए ऐसा रिलेशन, अब मुझे नहीं चाहिए। तुम उस समय तक तुम सॉरी बोल रहा हूं, तुम रिलेशन तोड़ रहे थे ना, अब मुझे रिलेशन नहीं चाहिए तुम्हारे साथ। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। एक साल का रिलेशन मैं तोड़ रही हूँ, तुम क्या तोड़ोगे? अब मैं तोड़ रही हूँ, मेरी बात तो सुन। अरे तुम निकलो यार, चले जाओ यहाँ से। अरे सुन तो लो, दोबारा मत जाना। सो गाइज आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और जिसने अभी तक नहीं किया यूट्यूब पे मिस धवन चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज कर देना अभी के अभी। और अपना हमेशा की तरह पहले की तरह बहुत ज्यादा सपोर्ट करो, बहुत ज्यादा प्यार दो। और फेसबुक पे अगर आप देख रहे हो तो ये आएगी RIT SSS पेज पे रिट्स, और यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हो तो मिस धवन। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, अगर फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्प्रेडिंग ऑल दिस।